So simply we are discussing ailing planet, the ailing moments rule. Yesterday we have discussed first paragraph. And in that first paragraph we have discussed, कल आप लोगों ने discuss किया हुआ था, that the story which we are going to study, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, though it is not a story. ये कि स्टोरी नहीं है, क्या है? आर्टिकल. It is an article which has been written by नानी पाल के बारा. And it has been published in a newspaper and the name of the Indian Express. And on which date it has been published? 24 November 1994. तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो नानी पालकीवाला ने लिखा हुआ था और वो 24 नवंबर 1994 में द इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर था, उसमें पब्लिश हुआ था. तो यहाँ पर वही आर्टिकल यहाँ पे दिया गया जिसको हमें करना है. तो हम लोगों ने कल किया हुआ था कि ऑथर कहता है दो आ नंबर ऑफ मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड इन दिस वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में क्या हुआ है, बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बट यू कैन नॉट रिकॉल एनी सच मूवमेंट. लेकिन आप किसी भी ऐसे मूवमेंट को रिकॉल नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते हैं, दैट हैज ग्रैस्प द अटेंशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड सो रैपिडली. कहते मूवमेंट तो बहुत चले, लेकिन जितनी जल्दी से इस ग्रीन मूवमेंट ने लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ खींचा है, इतनी जल्दी किसी भी दूसरे मूवमेंट ने लोगों के अटेंशन को नहीं खींचा था. एंड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन या वॉज सेटअप इन विच ईयर 1972 वेयर न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड में पहला मूवमेंट और उसका नाम क्या था, ग्रीन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेटअप जस्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट. तो 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया और ऑर्गेनाइजेशन का काम था जस्ट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट, कि किस प्रकार से ये लोगों को एनवायरमेंट के लिए क्या करें, एनवायरमेंट के लिए अवेयर करें. तो कहता इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ, वी हैव कंप्लीटली शिफ्टेड आवर परसेप्शन. कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हमारा जो परसेप्शन है, हमारी सोच है, वो शिफ्ट हो गई है. और किससे किस पर शिफ्ट हुई है, फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. कि जो हमारा पहले पॉइंट ऑफ व्यू था दैट इज मैकेनिस्टिक. मैकेनिस्टिक से मतलब वी आर मच मोर फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. कि हमारा फोकस किस पर ज्यादा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस था. हमारा फोकस डेवलपमेंट पे ज्यादा था, डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या करते हैं, वी सेट अप अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. क्योंकि लगता है कि ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी तो क्या होगा, उतना ज्यादा अच्छा डेवलप करेंगे. तो कहते हमारा जो फोकस था वो पूरा मैकेनिस्टिक था, वो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था. बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड. अब हमारा जो फोकस है, इट हैज बिकम होलिस्टिक. होलिस्टिक से मतलब कंप्लीट एंड इकोलॉजिकल. इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल. कि अब हमारा जो परसेप्शन है वो केवल मैकेनिस्टिक नहीं, अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जिंदगी के लिए केवल मशीन सी जरूरी नहीं है, हमारी जिंदगी के लिए मशीन के साथ साथ एनवायरनमेंट भी जरूरी है. हमारे डेवलपमेंट के लिए मशीन के साथ साथ होलिस्टिक हर एक चीज जरूरी है, सब कुछ जरूरी. ये चेंज आया है, वो कहते हैं ये जो चेंज आया, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशन. कहते हैं कि रिवोल्यूशन है जो कौन लेकर आया था, कॉपरनिकस, बाय गिविंग द फैक्ट. और क्या फैक्ट दिया था उन्होंने, दैट इट इज नॉट द सन दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. कि सन नहीं है जो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, इट इज द अर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. उन्होंने बताया था कि अर्थ है जो सन के अराउंड चक्कर लगाती है. तो यहीं तक हम लोगों ने किया था. आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसे मैंने बताया अप टू हियर, अभी तक हम क्या मानते रहे कि अर्थ क्या, नॉन लिविंग. कहने को तो हम इसे क्या कहते रहे, मदर.
लेकिन हम इससे जस्ट टेकन एंड टेकन, यही तो रहा। हम इससे आज तक लेते रहे हैं, हमने कभी कुछ दिया नहीं, क्योंकि हमें लगता पृथ्वी धरती तो क्या माता होती, बस आने दो। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट वो था, अभी तक क्या करते थे, वी हैव ट्रीटेड इट जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करते थे, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की कुछ भी नीड्स नहीं होती हैं। कहते बट नाउ अ चेंज हैज केम टू अस, लेकिन अब एक चेंज आया है हमारे परसेप्शन में रिगार्डिंग दिस अर्थ ऑल्सो, रिगार्डिंग दिस प्लानट ऑल्सो। तो ऑथर कहता कि इस प्लानट को लेके, इस अर्थ को लेके अब हमारे एक माइंड सेट में एक चेंज आया है, एंड नाउ वी स्टार्टेड टेकिंग द अर्थ एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने मान लिया कि ये क्या, ये तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, मतलब जो केमिकल्स चाहिए, जो केमिकल जिस खाने से क्या मिलता है हमारी बॉडी को, वो न्यूट्रिशंस, वो केमिकल्स जो रिक्वायर्ड है, यही तो है। क्योंकि जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारी बॉडी की कुछ केमिकल नीड्स होती हैं, और वो केमिकल नीड्स किससे पूरी करते हैं हम लोग, खाने से, पानी से, इन सारी चीज़ों से होती। और अगर हम वो खाना और पानी नहीं देंगे तो वो हमारा हेल्थ क्या होगा, डिक्लाइन करेगा या नहीं करेगा, हम बीमार होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे ये अर्थ भी है, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट ऑल्सो हैड इट्स केमिकल नीड्स, इसकी भी कुछ केमिकल नीड्स है, और अगर हम नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बीमार हो जाए। जैसे हम क्या करें, काम तो बहुत करें, एनर्जी स्पेंड तो बहुत करें, लेकिन उतनी एनर्जी ना लें, तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लेवल हमारा डाउन होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अब बीमार हो जाएंगे, यही तो होगा। तो यही इस अर्थ के साथ हो रहा कि अभी हम केवल क्या कर रहे थे, केवल हम ले रहे थे इससे, अभी तक हमने इसे कुछ दिया नहीं है। तो कहते क्योंकि अभी तक हम इसे कैसा ऑर्गेनिज्म ट्रीट करते थे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ट्रीट करते थे। फर्स्ट टाइम वी रियलाइज, पहली बार हमने रियलाइज किया है दैट अर्थ इज नॉट अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एन एनॉरस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एंड वी हैव रियलाइज एन एनॉर्मस बीइंग फॉर विच वी आर पार्ट। अभी तक हम क्या मानते थे, ये हमारा पार्ट है, अब हमें पता चला ये अर्थ हमारा पार्ट नहीं है, बट वी आर द पार्ट ऑफ अर्थ, ये एनॉर्मस है, हम तो क्या है, बहुत छोटे हैं। तो मीन्स आप अभी तक किसको हम सुपीरियर मानते थे, सिंपल सा, ह्यूमंस हैज बीन कंसिडर्ड मच मोर सुपीरियर, बट नाउ अ चेंज केम टू द परसेप्शन ऑफ द पीपल, एंड नाउ दे स्टार्टेड टेकिंग दिस अर्थ एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाउ दे स्टार्टेड गिविंग इट मच मोर इम्पॉर्टेंस, इसको इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में मानना शुरू कर दिया है, और ये मानना शुरू कर दिया कि हम सब इसका एक पार्ट है। इट हैज इट्स ओन मेटाबोलिकल नीड्स, एंड व्हेन इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब हम इसको एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट कर रहे हैं, तो अब क्या, नाउ इट हैज सम मेटाबोलिक नीड्स। मेटाबोलिक फंक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल, है ना। तो कहते हैं आम क्या है, ये जो अर्थ है, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसकी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स है, इसकी कुछ केमिकल नीड्स हैं, एंड वाइटल प्रोसेस व्हिच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड प्रिजर्व सॉरी, और कुछ ऐसी प्रोसेस है इस अर्थ में जिसको हमें क्या करना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व, जिसको हमें रिस्पेक्ट भी करना है और उसको हमें प्रिजर्व करना, बचा के भी रखना है। तो इस अर्थ की जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जो केमिकल नीड्स हैं, हमें उसे रिस्पेक्ट करना, मीन्स हमें उसे पूरा करना है, वी हैव टू प्रिजर्व इट, हमें उसे बचा के रखना है। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डेक्लाइन हेल्थ। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द अर्थ, सो इट इज जस्ट लाइक अ पेशेंट इन डेक्लाइन हेल्थ। बोले अभी तो इस अर्थ की स्थिति ऐसे हो गई है कि जैसे कि कोई पेशेंट है और उसका हेल्थ दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा है। बोले यही तो अर्थ के साथ,
कि आप देखिए दिल्ली दिल्ली में क्या आता है, कि हवा का स्तर क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जब ख़राब हवा आप लेंगे तो क्या होगा, अ नंबर ऑफ डिसीजेज। नहीं, लोगों को आजकल कैंसर बहुत हो रहे हैं, वो यही है। तो यही कह रहा है कि क्या है कि आप जो अर्थ के अभी के साइन हैं, जो अगर अभी को हम जज करें तो उससे क्या पता चल रहा कि अर्थ अभी किस स्टेज में है। जस्ट लाइक अ पेशेंट इज इन डिक्लाइन हेल्थ, ठीक वैसे ही स्थिति में है जिस प्रकार से एक पेशेंट होता है उसका हेल्थ गिरता जाता, ठीक वैसे ही स्थिति में अभी अर्थ। और जब हमें नाउ वी हैव बिगिन टू रियलाइज अ एथिकल ऑब्लिगेशन एंड नाउ, अब हमने शुरू किया है, नाउ वी हैव बिगिन टू रियलाइज अ एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट। स्टीवर्ड जानते हो किसको बोलते हैं? स्टीवर्ड इज सिंपली गार्ड, गार्ड तो जानते हो, गार्ड का मतलब क्या होता है, गार्ड है, गार्ड क्या करते हैं, सेव करते, प्रोटेक्ट करते। कहते नाउ वी हैव रियलाइज, अब हमने इस चीज को रियलाइज किया है दैट इट इज अ एथिकल ऑब्लिगेशन। एथिकल मतलब क्या होता है, एथिकल सुना हुआ कभी कभी होते हैं, एथिकली सही नहीं है। एथिकल एक प्रकार से मोरल, सिंपली वी कैन से। तो कहता अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि हमारे एथिकल ऑब्लिगेशन ही हमारा नैतिक कर्तव्य है, हम क्या लें मोरल ड्यूटी, सिंपल सा एथिकल से मोरल कैसे। तो अब हमने ये रियलाइज करना शुरू करा कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिकम अ गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लानिट, टू बिकम अ गुड प्रोटेक्टर ऑफ द प्लानिट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस प्लानिट को क्या करना है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, हमें इसका एक अच्छा स्टीवर्ड बनना है, हमें इसका अच्छा गार्ड बनना है। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और केवल हमें इसका गार्ड ही नहीं बनना है बट वी हैव टू बिकम द रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्या अभी ऑथर भी कहेगा कि ये जो एनवायरमेंट मिला हुआ है ये हमारी बापौती नहीं है, ये विरासत में नहीं मिला है, ये तो एक प्रकार से हमने क्या किया हुआ है, उधार लिया हुआ, किससे, फ्यूचर जनरेशन से उधार लिया है। तो यही कह रहे हैं कि अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमें इस प्लानिट का सबसे पहले तो क्या बनना है, एक अच्छा गार्ड स्टीवर्ड बनना है, और दूसरा ट्रस्टी, एक ट्रस्टी बनना है, किसका ट्रस्टी बनना है, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बनना है, मीन्स एक ऐसा ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम क्या करें, इस एनवायरनमेंट को बचा के रखें और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर करके जाएं। तो कहते अब ये चेंज आया है, कहते शुरू में ऐसा नहीं था लेकिन अब लोगों को ये लगने लगा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब जो कॉन्सेप्ट है वो किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अभी तक हमारा पूरा फोकस किसके डेवलपमेंट पे था, मैकेनिक इंडस्ट्रीज, बट इफ वी हैव टू सर्वाइव, लेकिन अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमारा कॉन्सेप्ट मैकेनिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, इट हैज बीन पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट। तो जो वर्ल्ड कमीशन था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, उस वर्ल्ड कमीशन ने एक कॉन्सेप्ट दिया 1987 में, और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन इट्स रिपोर्ट्स इट डिफाइंड द आइडिया as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. And in its report, jo World Commission tha, the World Commission has said in its report, jo World Commission tha, usne apni report mein kaha hai, aur apni report mein kya kaha hai, that we have to use all the natural resources in such a way so that
वी कुड फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल हमें पानी की ज़रूरत है, हमारी फ्यूचर जनरेशन तो हवा पिएगी, हवा खाएगी, ऐसा तो नहीं. इफ़ वी नीडेड एयर दे वुड ऑल्सो नीड. हमें अगर जो चीज़ चाहिए वो उन्हें भी चाहिए होगा. तो हम ऐसा ना करें, भैया आपके पास 10 रुपए हैं जैसे केवल, तो आप ये मत करिए कि 10 के 10 आप भी खर्च कर लें. क्या करें, उतने खर्च करो जितने आपको ज़रूरत हो, बाकी आप किसको छोड़ कर जाओ, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाइए. यही तो करते भाई, जैसे आपको जो प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है, आपके पेरेंट्स को मिली है, तो क्या ऐसा वो करेंगे सब बेचवाच के चले जाते? वो क्या करते, वो वैसे ही अगर कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतनी तो दे के जाती है, उन्हीं को अच्छा व्यक्ति कहा जाता है. और जो बेच बाच के चले जाते सब बेच देते अपने बच्चे को, कुछ नहीं छोड़ते, उन्हें कैसा कहा जाता है, अच्छा कहा जाता है. तो कह रहे हैं यही एनवायरनमेंट भी ऐसे ही तो है कि हम उस हिसाब से काम करें, हम उतने नेचुरल रिसोर्सेज को केवल यूज करें जितनी हमें ज़रूरत है, जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा, मीन्स उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी. तो कहते ये हमें करना पड़ेगा. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. और ऐसा ना करें स्ट्रिप द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज. स्ट्रिप का मतलब स्ट्रिप्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, कि ऐसा ना हो कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है ना उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्रिप वंचित कर दें, कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कुछ बचे ही नहीं, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम ही यूज कर लें. भाई जैसे अभी मान लो तेल के कुएं निकल रहे हैं, तो अगर ऐसा थोड़ा कि निकलते ही रहेंगे, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे. और अगर हम ही सब यूज कर लेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे अभी उरई की बात समझ लो, गर्मियों का सीजन आता है, नलों से जो घरों में लगे हुए हैं ना पानी आना बंद हो जाता है, यही तो होता है अभी की स्थिति है. और वो क्यों हो रहा है ऐसे, तो वाटर लेवल डाउन हुआ क्यों, वाटर होती है प्रॉब्लम, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कंजर्वेशन सीखा ही नहीं. हम तो केवल क्या कर रहे थे, हम तो केवल यूज कर रहे थे विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे. क्योंकि हमें तो क्या लगता था कि इस अर्थ में सब कुछ भरा पड़ा है, इसे लेते जाओ. ये कभी रियलाइज ही नहीं करा कि अगर हमें इससे पानी निकालना है तो हमें ऐसे पानी नीचे देना भी तो है. वही फिर सर्दियों में लेवल क्यों सही हो जाता है, क्योंकि बारिश हुई तो बारिश वो कंजर्व होके पानी कहाँ जाता है, वो नीचे जाता है. क्यों कहा जाता है कि वाटर कंजर्वेशन करिए, अपने घरों में एक ऐसा बना के रखिए जो छत का पानी है पूरा क्या हो, नीचे हो, तो वो क्या होगा, वो नीचे जाएगा. ऐसे जो पानी यहाँ भर जाता है ये नीचे थोड़ा ना जाता, ये नीचे नहीं जाता, ये तो क्या होता है इतना नीचे जाते जाते ख़त्म हो जाता है. तो कहते अब हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट वी कुड फुलफिल आवर नीड्स, सो दैट द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन वुड ऑल्सो बी फुलफिल्ड विदाउट मेकिंग एनी कम्प्रोमाइज. और ऐसा भी नहीं करें कि हम क्या कर लें, हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लें और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें वो नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे. In the zoo at Lusaka, Zambia, there's a cage where the notice reads the world most dangerous animal. तो कहते हैं जाम्बिया, इट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री जाम्बिया. तो जाम्बिया में एक शहर है, शहर का नाम क्या है, लुसाका. सो इन लुसाका देयर इज़ अ जू, एक जू है, चिड़ियाघर है. And in that zoo there was a cage. वो चिड़ियाघर में एक पिंजड़ा भी है और पिंजड़े के बाहर क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक प्राणी. और कौन है सबसे खतरनाक प्राणी, और उसके अंदर कौन बंद है, उस पिंजड़े के अंदर, नो वन, सिंपली अ मिरर हैज बीन केप्ट देयर वेयर यू कुड सी.
मतलब संसार का सबसे खतरनाक प्राणी कौन हुआ? वी द ह्यूमंस और इट इज फैक्ट, हमसे खतरनाक कौन है भाई? कौन है हमसे खतरनाक? टाइगर है क्या? लॉयन है क्या? अरे इनके तो हम लोग मार के उनकी छाल के ऊपर बैठते यही तो करते डेकोरेट करते, तो हमसे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, हमने इस नेचर को हरा दिया। ये तो टाइगर लॉयन की क्या यही तो है। तो कहते हैं लोसाका जाम्बिया में एक केज है और स्टेज पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये संसार का सबसे खतरनाक प्राणी, एंड इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। लेकिन इनसाइड दैट केज देयर वाज नो एनिमल, उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर बंद नहीं है। इनसाइड दैट केज देयर वाज अ मिरर, उस पिंजरे के अंदर केवल और केवल एक क्या है, एक मिरर, एक शीशा। एंड दैट मिरर रिफ्लेक्ट्स यू ओन, किसको शो करता है? जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे इंसान ही है जो इस संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस दैट हैज नाउ डॉन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। नाउ आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अ नंबर ऑफ एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कहता मैं संसार की बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। किस लिए? बिकॉज दे हैड मेड अवेयर टू द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि ये संसार का जो सबसे खतरनाक प्राणी है इसको थोड़ा सा जागरूक किया, इसको थोड़ा सा अवेयर किया। किसके लिए अवेयर किया? अबाउट द एनवायरमेंट। इसके लिए मैं क्या करता हूँ? इसके लिए मैं इस एनवायरमेंट को, जो एजेंसीज है उनको थैंक यू बोलता हूँ। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. And now we all have realized. अब हमें realize हो गया, हमें पता चल गया that now we could not survive with the system of डोमिनेशन, के हम डोमिनेशन के सिस्टम के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का सिस्टम हमें करना पड़ेगा। और जैसे कल समझाया था कि अभी क्या डोमिनेशन में क्या होता है कि आप केवल लेते ही जाते लेते जाते हैं। जैसे आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप कब चलती रहती है? जब आप दोनों लोग इक्वल शेयर करें, इक्वल प्रॉफिट में। ऐसा तो नहीं होता कि एक व्यक्ति केवल पैसा दे और दूसरा प्रॉफिट ले, ऐसा होता है? और अगर ऐसा होने लगता है तो पार्टनरशिप टूट जाती है। जो बहुत ही फनी सा एग्जाम्पल था जो कल दिया था, एंड इट इज फैक्ट, यही तो है कि वो अपने फ्रेंड्स को दो बार तो बतासे पिला देते हैं, लेकिन तीसरे बार एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वही पिलाए, दो बार में पिला चुका हूँ। और अगर वो नहीं पिलाता तो फिर हम लोग भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, यही तो है। तो दोस्तों के बीच में या हम लोगों के बीच में कौन सा सिस्टम चलता है? सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप चलता है, गिव एंड टेक। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में मुझे आपसे भी कुछ चाहिए। तो ये सिस्टम पहले इस एनवायरमेंट के साथ नहीं था, यहाँ पर केवल डोमिनेशन का था। जो हम थे वो हम क्या अपने आप को मान रहे थे, हम बहुत पावरफुल हैं, हम पावरफुल हैं तो हम जिसकी लाठी उसकी वजह केवल लेंगे, इससे हम इससे सारे मिनरल्स भी लेंगे, हम इससे डीजल भी निकालेंगे, हम इससे पेट्रोल भी निकालेंगे, हम इससे आयरन भी निकालेंगे, हम इससे गोल्ड भी निकालेंगे, हम इससे वाटर भी निकालेंगे, लेकिन इसके बदले में इसे देंगे कुछ नहीं। तो अब ये अर्थ बुरा मान गई, हो जाएगा हम तो ऐसे तो हम ख़त्म कर देंगे वही। तो हमें क्या करना पड़ा? अब हमें समझ में आ गया कि हमें इसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, मीन्स हमें भी क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गिव ऑल्सो समथिंग, क्या हमें भी इसके लिए कुछ इसे देना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया है, नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग, अब हमने इसको देना शुरू कर दिया। जैसे आप देखेंगे वाटर कंजर्वेशन, अभी प्रॉब्लम जैसे हम लोगों के यहाँ लोग इतने अवेयर नहीं हैं, नहीं तो आप जब घर बनता है रूल ये है कि उसमें आपको वाटर कंजर्वेशन का बनाना ही है। रूल ये है कि आप 60% एरिया में कंस्ट्रक्शन करेंगे, 40% एरिया में आपको ग्रीनरी लगानी है,
लेकिन हमारा ये इंडिया इतना महान है, सभी कोई भी हो चाहे मैं हूँ बातें सब करते हैं, क्योंकि जब नक्शा पास कराना होता तो उसमें हाँ ये इतने में कस पीछे घर बनेंगे, अंबार पूरी ग्रीनरी है ना, केवल मैम में नक्शा पास हो गया उसके बाद ग्रीनरी एक पत्ती नहीं दिखती गई, क्योंकि पूरे में कंस्ट्रक्शन करा देते। तो ये कह रहा कि अब थोड़ा सा चेंज आया है, और अब हम लोगों ने क्या किया है, हमने अपने सिस्टम को चेंज कर लिया है, जो हमारा सिस्टम है वो डोमिनेशन से किस पे आ गया है, पार्टनरशिप पर आ गया। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। एनीवन हैज एनी डाउट।